तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे हिट टेक सपोर्ट YouTube चैनल के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हिट टेक सपोर्ट YouTube चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है। वो कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे आया वो फ्रेंड्स मैं अभी आपको बताऊँगा। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब इनके लगभग 25 चैनल टर्मिनेट हुए थे। फ्रेंड्स 25 चैनल, आपको अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 25 चैनल टर्मिनेट हो जाएँ आपको कैसा लगेगा। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप ये अच्छे जानते हैं, बट जिस यूट्यूबर ने इनको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है वो ये चीज़ नहीं जानता है कि 25 चैनल टर्मिनेट होने के बाद एक बंदा अगर एक इस चैनल पे सक्सेस हो गया तो उसको कैसा लगता है। उसने बिना कुछ सोचे समझे इनको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इनको कॉपीराइट स्ट्राइक इसलिए आई है क्योंकि इन्होंने उस यूट्यूबर का वीडियो उठा के अपने में वॉइस ओवर करके उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट कर दी थी। तो फ्रेंड्स आपको लगता है कि इस छोटी सी गलती के लिए इनको कॉपीराइट स्ट्राइक देना चाहिए? फ्रेंड्स मुझे तो नहीं लगता है इनको कॉपीराइट स्ट्राइक देना चाहिए। तो मैं जिस भी व्यक्ति ने इसको इनको कॉपीराइट स्ट्राइक दिए उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि फ्रेंड्स प्लीज़ कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले लीजिए क्योंकि आप एक यूट्यूबर हैं, आपको पता होना चाहिए कि बंदा कितनी मेहनत करता है एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में और उसको उसमें वीडियो अपलोड करने में कितना टाइम लगता है। अगर जिस भी यूट्यूबर ने इनको कॉपीराइट दिया उसको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि एक यूट्यूबर कितनी मेहनत करता है यूट्यूब पे आने के लिए, बट उसने ये नहीं सोचा फ्रेंड्स, उसने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है कि उनको इस छोटी सी गलती के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक देना चाहिए था। फ्रेंड्स गलतियाँ इंसानों से ही गलतियाँ होती है। फ्रेंड्स आपको ऐसा क्या लगता है यार इस छोटी सी गलती के लिए इनको कॉपीराइट स्ट्राइक देनी चाहिए थी? फ्रेंड्स वो यूट्यूबर इनसे बात भी कर सकता था कि आपने मेरा वीडियो अपलोड किया है, इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए या तो इसको प्राइवेट कर दीजिए। फ्रेंड्स उसने ऐसा नहीं किया, उसने डायरेक्ट उठा के कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी। फ्रेंड्स अगर इनके 25 चैनल पहले टर्मिनेट हो चुके हैं तो फ्रेंड्स अगर ये चैनल डिलीट हो गया तो इस बंदे पर क्या बीते फ्रेंड्स आप ये सोच सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी तरफ से रिक्वेस्ट फिर से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर जिस यूट्यूबर ने इनको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है वो कॉपीराइट स्ट्राइक प्लीज़ वापस ले लीजिए। आप एक यूट्यूबर हैं, आपको पता होना चाहिए कि बंदा कितनी मेहनत करता है। अगर आपको लगता था कि इसने मेरा कंटेंट चुराया, इसने मेरे वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया तो आप इसको इनसे बात करके उनको प्राइवेट करने को कह सकते थे वीडियो को, मगर आपने ऐसा नहीं किया तो फ्रेंड्स ये गलत है, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देना चाहिए था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले लीजिए। आप एक यूट्यूबर, आपको एक पता होना चाहिए, प्लीज़ कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले लीजिए।